तुम लोग ये किया, क्योंकि अगर किन्हीं का लेक्चर मिस होता है तो फिर वहां पे वो रिकॉर्डिंग देख करके, बट इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें हमेशा रिकॉर्डिंग अवेलेबल मिलेगा यूट्यूब पे। किन्हीं का लेक्चर मिस होता है तो प्रॉपर मैसेज करोगे मुझे तो फिर रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो पाएगा। एक ये ध्यान रखना है, रिकॉर्डिंग उन बच्चों के लिए जिनका नेटवर्क का भी इशू आता है कि प्रॉपर नेटवर्क के कारण प्रॉपर क्लास अटेंड नहीं कर पाते या किसी कारण से लेक्चर मिस हो जाता है, उनके लिए रिकॉर्डिंग रहता है वहां पे। हाँ, लेवो इन 1785 में एक साइंटिस्ट आए थे, लेवोजियर, क्लासिफाइड द सब्सटेंस इनटू टू पार्ट्स, सब्सटेंस इनटू टू पार्ट्स, इनटू टू पार्ट्स, तो दो पार्ट कौन सा था वहां पे? यहाँ पे था व्हिच आर सिंथेसाइज्ड बाय, व्हिच आर सिंथेसाइज्ड बाय, सिंथेसाइज्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट्स, एनिमल्स, एटसेट्रा। तो विच आर सिंथेसाइज्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट मीन्स उसको बोला गया ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड। एंड सेकेंड पार्ट जो था कि विच आर सिंथेसाइज्ड बाय, विच आर सिंथेसाइज्ड बाय, विच आर सिंथेसाइज्ड बाय नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक मिनरल्स, या ओर्स लिख लो पहले यहाँ पे, ओर्स कॉमा मिनरल्स एटसेट्रा इज कॉल्ड इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो जो साइंटिस्ट थे लेवोजियर, उसने पूरे सब्सटेंस को दो पार्ट में डिवाइड किया था, किस बेसिस पे? व्हिच आर सिंथेसाइज्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट्स, एनिमल एटसेट्रा इज कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और सेकेंड पार्ट जो था इसका कि व्हिच आर सिंथेसाइज्ड बाय नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक मिनरल्स और एटसेट्रा, उसको क्या बोल देगा? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इसके आगे इसने कुछ नहीं बताया कि बाकी कैसे क्लासिफाई करते हैं और भी डिटेल में, कि प्रिपेयर कैसे करता है ऑर्गेनिक कंपाउंड को, इनऑर्गेनिक कंपाउंड को, इसने यहाँ पे आगे कुछ नहीं बताया। इसको यहाँ तक तुम लोग नोट डाउन कर लो, फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग आगे। और कहीं भी राइटिंग में तुम लोगों को दिक्कत हो तो पूछ लोगे, ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख रहे हैं वहां पे। वैसे तो मैं कोशिश करता हूँ कि जो मैं लिख रहा हूँ उसको प्रॉपर यहाँ पे बताता भी हूँ दोबारा रीड करके, फिर भी अगर कहीं पे दिक्कत रहता है समझने में तो उसको पूछ लोगे। यहाँ तो जल्दी से नोट डाउन कर लो तुम लोग। हाँ, दूसरा ध्यान ये रखोगे, बाकी वो तो हर एक सब्जेक्ट में कर सकते हो, बट स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक में एक दूसरे से बहुत ज्यादा कनेक्टेड होता है, कि एक भी लेक्चर अगर मिस होगा तुम्हारा तो फिर तुम्हें नेक्स्ट लेक्चर में दिक्कत स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि कनेक्टेड बहुत ज्यादा है यहाँ पे। बाकी सब सब्जेक्ट में ध्यान रखो कि लेक्चर मिस ना हो, क्योंकि एक दो लेक्चर मिस होता है तो फिर नया टॉप स्टार्ट चीजें होता है, तो फिर वो कवर करने में दिक्कत होता है वहां पे।
तो ठीक है, यहाँ तक नोट डाउन कर लिए तुम लोग? यस सर। ओके चलो ठीक है, ओके ठीक है, नोट कर लो। ओके सर। चलो ठीक है, हम लोग देखते हैं फिर यहाँ पे आगे। नेक्स्ट साइंटिस्ट आए थे इसमें 1815 में बर्जिलियस। बस 5 मिनट में हिस्ट्री देखते हैं, बाकी फिर हम लोग टॉपिक पे आते हैं। यहाँ पे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जब लोगों को एक अलग ही ब्रांच पढ़ाना पड़ता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, उसका स्टार्ट कैसे हुआ था इन 1815। एक साइंटिस्ट थे बर्जिलियस, इसने एक थ्योरी दिया था यहाँ पे, वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी, अब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था यहाँ पे, जो वाइटल फोर्स थ्योरी था, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग उसने बर्जिलियस ने ये बोला कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सिंथेसाइज नहीं कर सकते यहाँ पे। इसका स्टेटमेंट क्या है, नो एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर सिंथेसाइज्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इस स्टेट थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग सिंथेसाइज नहीं कर सकते हैं, प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो फिर ये मिलेगा कहाँ पे है, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो किसी भी लिविंग एंटिटीज में। जैसे किसने बोला, पढ़े भी हो गए तुम लोग 10th में, कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है, देखिए रेड एंड में कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है बताओ एनीवन? रेड एंड में कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है? फॉर्मिक एसिड। सब कुछ पढ़े हो गए, रेड एंड में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो क्या है? फॉर्मिक एसिड। सही, कुछ लोग चैट में बता रहे हो सही है, इसमें वो क्या रहेगा? फॉर्मिक एसिड। अब इसका स्ट्रक्चर भी यहाँ पे लिख लेना था कि फॉर्मिक एसिड क्या होता है, HC double bond OOH। बस अब इसको नोट डाउन कर लेना, यहाँ पे कैसे आता है, नेम कैसे आ रहा है यहाँ पे, वो सब आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे बर्जिलियस के अकॉर्डिंग कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसाइज नहीं कर सकते हैं, वो मिलेगा कहाँ पे, उसने ये बताया कि जो लिविंग एंटिटीज होगा, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा, वहां पे ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होगा। जैसे कि रेड एंट में कौन सा रहता है? फॉर्मिक एसिड, और इसका ये स्ट्रक्चर होता है फॉर्मिक एसिड का। सिमिलरली मिल्क में, ये स्ट्रक्चर एक बार पढ़कर दिखाएंगे क्या है, समझ में नहीं। ये HC double bond OOH, हाइड्रोजन कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, सिंगल बॉन्ड ओ और ये एच है, HC double bond OOH। यस सर, क्लियर है? यस। नेक्स्ट है मिल्क, मिल्क में कौन सा एसिड होता है? लैक्टिक एसिड। सही है, बिल्कुल सही है सब लोगों का। ये क्या रहेगा? लैक्टिक एसिड। अब इसका जो स्ट्रक्चर है लैक्टिक एसिड का, ये भी देखना यहाँ पे, C double bond OH या COOH CH OH और ये CH3। अभी बस ये स्ट्रक्चर कैसे आ रहा है, क्या आ रहा है, बस इसको अभी नोट डाउन कर लेना है, बाकी यही तुम लोगों को पढ़ना है चैप्टर में, इस कंपाउंड्स का नेम क्या रहा था, IUPAC नोमेनक्लेचर चैप्टर का नेम ही है। नेक्स्ट है इसमें एप्पल में कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है? सही है, मैलिक एसिड। लोग चैट बॉक्स में बता रहे हो, तो वो क्या रहेगा? मैलिक एसिड। वो क्या रहेगा इसमें? मैलिक एसिड। अब इसका भी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेना था यहाँ पे, COOH CH OH CH2 COOH। मैं रीड भी कर रहा हूँ, ध्यान से सुनोगे, COOH CH OH सिंगल बॉन्ड CH2 COOH, ये मैलिक एसिड का स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे। क्लियर है यहाँ पे?
ये सब चीजें पहले भी टेंथ में ही पढ़े होंगे, कुछ नया नहीं है इसमें। इरेडेंट में क्या रहता है, फॉर्मिक एसिड, मिल्क में लैक्टिक एसिड, एप्पल में मैलिक एसिड, कुछ एक दो और मैं लिखूं यहाँ पे, तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ साइड में। तो नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ पे फिर दिक्कत हो सकता है। अभी यहाँ तक नोट डाउन कर लिए होंगे सब लोग, जहाँ पे समझने वाला चीज रहेगा मैं वहां पे बोलूंगा खुद से, ठीक है, नोट कर लो। अभी यस सर, तो ठीक है, नोट कर लिया यहाँ पे है। नेक्स्ट है इसमें लेमन, इसमें कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है? साइट्रिक एसिड। सही है सब लोगों का, सही है सब लोगों का। ये क्या रहेगा, साइट्रिक एसिड, ये क्या रहेगा यहाँ पे, साइट्रिक एसिड। अब इसका भी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेना था यहाँ पे, CH2COH, बाकी इतना पता होगा कि OH में लिख रहा हूँ यहाँ पे। OH का मतलब कौन सा ग्रुप है, अल्कोहल, और COH का ये क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। सही है, जिनको पता है तो ठीक है, जिनको नहीं भी पता तो हम लोग इसी चैप्टर में सीखेंगे, ये सब चीज सीखना है यहाँ पे। OH क्या, अल्कोहल, और COH कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर यहाँ पे है। नेक्स्ट यहाँ पे एक लास्ट में एक और मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, यूरिन, इसमें क्या रहता है यहाँ पे, यूरिया। सही है इसमें, ये भी बता रहे हो, सही है बिल्कुल, यूरिया। अब इसका यहाँ पे क्या रहेगा, H2N C double bond O NH2, ये क्या रहा है यहाँ पे, H2N single bond C double bond O single bond NH2, इसी को क्या बोला जा रहा है, यूरिया। ये यूरिया का मोलिकुलर फार्मूला आ रहा है यहाँ पे, फार्मूला यूरिया का क्या रहेगा, H2N C double bond O NH2। ये चीजें तो सबको पता भी है, टेंथ लेवल में पढ़ चुके हैं यहाँ पे। तो जो वाइटल फोर्स थ्योरी था, अगर मैं पेज को पीछे लूँ, इस पे आते हैं अभी हम लोग, तो वाइटल फोर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसाइज डायरेक्टली या इनडायरेक्टली नहीं किया जा सकता। तो वो कहाँ पे मिलेगा, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, जो कि रेड एंट, मिल्क, एप्पल, लेमन, यूरिन, ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड आ रहा है। इसके बाद एक और साइंटिस्ट आए थे इन 1828, वोहलर। अब वाइटल फोर्स थ्योरी जो था, जो बर्जेस ने दिया था, वो यहाँ पे फेल हो जाता है। वोहलर का जो जो साइंटिस्ट आए थे, उसने ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसाइज करके बताया वहां पे। इसने यहाँ पे क्या क्या, NH4 twice plus KCNO, इस कंपाउंड का नेम बता सकते हो तुम लोग, NH4 twice SO4, एमोनियम सल्फेट। सही है बिल्कुल, ये क्या रहेगा। बाकी जिनको नहीं पता थी, सब चीज हम लोग सीखेंगे, बट अभी मैं कुछ यहाँ पे नया टर्म आ रहा है, ये क्या होता है, अमोनियम सल्फेट। सही है बिल्कुल, ये क्या रहेगा इसमें, अमोनियम सल्फेट। और यहाँ पे KCNO, इस कंपाउंड का जो नेम होता है यहाँ पे, पोटासियम साइनेट, तो क्या बोलते हैं यहाँ पे, पोटासियम साइनेट। अब यहाँ पे जो अमोनियम सल्फेट और पोटासियम साइनेट जब आपस में रिएक्ट कराया यहाँ पे ओलर ने, यहाँ पे कंपाउंड बन के आया यहाँ पे NH4 CNO plus K2SO4। अब यहाँ पे रिएक्शन को अगर बैलेंस कर दो तो यहाँ पे K2SO4 आ रहा है। NH4CNO का नेम क्या आ जाता है यहाँ पे, अमोनियम साइनेट। ये क्या रहता है इसमें, अमोनियम साइनेट, और K2SO4 पोटासियम सल्फेट। ये कैसे नेम आता है, हम लोग स्टार्ट करूंगा, सभी इसको नोट डाउन करना है, ये सब तो चैप्टर में लोगों को पढ़ना है यहाँ पे, पोटासियम सल्फेट। अब इस रिएक्शन को अगर बैलेंस करना चाहो यहाँ पे, तो रिएक्शन को कैसे बैलेंस करोगे यहाँ पे, NH4 twice SO4
यहाँ पे K2SO4 आ रहा है, दो पोटासियम आ रहा है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, बट जैसे 2 से मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे है तो CNO भी 2 टाइम्स आ जाए और NH4 ट्वाइस तो है यहाँ पे है, यहाँ भी एक 2 लगाना होगा तुम्हें। तो अब ये रिएक्शन बैलेंस है, तो अमोनियम सल्फेट का रिएक्शन पोटासियम साइनेट के साथ जैसे कराया इसने, ये बन जाता अमोनियम साइनेट। अब अमोनियम साइनेट को फर्दर हीट किया गया, इस सिंबल का मतलब क्या है, इसको हीट किया जा रहा है यहाँ पर, और जैसे अमोनियम साइनेट को हीट किया गया यहाँ पे, ये क्या हो जाता है H2N C डबल बॉन्ड O NH2, और ये क्या बन जाता है, दो मॉलिक्यूल बन जाता है यहाँ पे NH4CNO। NH4CNO में देखोगे एक कार्बन, एक ऑक्सीजन, दो नाइट्रोजन और 4 हाइड्रोजन, तो इसमें भी वही आ रहा है यहाँ पे, और यही क्या बन गया हमारा यहाँ पे यूरिया, ये क्या आ गया इस केस में यूरिया। तो यूरिया को फर्स्ट सिंथेसाइड ऑर्गेनिक कंपाउंड भी बोला जाता है, नीचे नोट भी लिख लो, नोट भी कर लेते हैं कि फर्स्ट सिंथेसाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड, फर्स्ट सिंथेसाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लियर है यहाँ पे है ये, बस ये लास्ट इसको नोट कर लेते हैं। कुएलर जो साइंटिस्ट है 1828 में, इसने अमोनियम सल्फेट प्लस पोटासियम साइनेट का रिएक्शन कराया, अमोनियम साइनेट बना और ये K2SO4। अब अमोनियम साइनेट को फर्दर हिट किया गया तो यहाँ से क्या बन जाता है, यूरिया, जिसको कि बोला जाता है फर्स्ट सिंथेसाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड। इधर आई थिंक राइटिंग में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, फिर भी अगर दिक्कत कहीं पे समझने में, सर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है वो अनम्यूट करके बताओगे। तो ये तुम लोग हिस्ट्री देख रहे थे यहाँ पे कि फर्स्ट सिंथेसाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे बनाता है यहाँ पे। मैं स्ट्रक्चर अगर नेमिंग में दिक्कत रहती है, अमोनियम सल्फेट पोटासियम साइनेट KCNO का, NH4CNO इसका नेम क्या, अमोनियम साइनेट, और ये लास्ट K2SO4 पोटासियम सल्फेट। कर लिया यहाँ तक सब लोग, नोट डाउन कर लिए हैं? यस सर। यस सर। तो ठीक है, सब नोट करो, जल्दी से नोट करो इसको। अब देखने के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो डिफिनेशन है वो एक्चुअल में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है। तो ठीक है, सब लोगों का नोट डाउन कर लिया सब लोग। नहीं देखना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, उसको अगर हम लोग डिफाइन करें यहाँ पे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसमें लिखोगे इट इज द ब्रांच ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइंस, इट इज द ब्रांच ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइंस, इज द ब्रांच ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइंस विच डील्स विथ हाइड्रोकार्बन एंड डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इट इज अ ब्रांच ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइंस विच डील्स विथ
हाइड्रोकार्बन एंड डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ पे एक जो टर्म आ रहा है हाइड्रोकार्बन, ये क्या होता है यहाँ पे? ये तो सबको पता है कि हाइड्रोकार्बन की कंपाउंड्स कंटेनिंग ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन ओनली। सही है, बिल्कुल सबको पता है यहाँ पे है कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है यहाँ पे, कि कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। अलग से लिखना चाहो इसमें लिख भी लोगे यार, मैं यहीं पे नोट कर देता हूँ यहाँ पे कि कंपाउंड्स कंटेनिंग स्टेप्स लिखो एक पॉइंट बना के कि हाइड्रोकार्बन जो होता है यहाँ पे कंपाउंड्स कंटेनिंग कंपाउंड्स कंटेनिंग ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन, ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन। ये तो हाइड्रोकार्बन आ गया, नेम से क्लियर है कि हाइड्रोजन एंड कार्बन। और इसमें टर्म आ रहा है डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, ये क्या होता है यहाँ पे? तो डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन का मीनिंग है कि कार्बन और हाइड्रोजन तो हो बट उसके अलावा उस कंपाउंड में कोई और भी एटम प्रेजेंट हो, लाइक हैलोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ये सब एटम भी प्रेजेंट हो सकता है। अगर वो सब प्रेजेंट है तो क्या बोलते हैं? डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। दैट मीन्स कार्बन और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अगर है तो कार्बन हाइड्रोजन तो रहेगा ही वहां पे, तो कार्बन हाइड्रोजन के अलावा भी अगर दूसरा एटम प्रेजेंट है लाइक हैलोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर जो भी है वहां पे, उसको लोग क्या बोल पाएंगे? डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। दैट मीन्स कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा जो भी एटम प्रेजेंट है ऐसे कंपाउंड को क्या बोल पाते हैं? हाइड्रोकार्बन का ही वो डेरिवेटिव आ रहा है वहां पे। क्लियर है यहाँ पे ये पॉइंट कि हाइड्रोकार्बन क्या, ये क्लियर है यहाँ पे? और डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन का मतलब इस दोनों एटम के अलावा कार्बन हाइड्रोजन के अलावा भी कोई और एटम प्रेजेंट है तो हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव्स हो जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट है इसमें नेक्स्ट पॉइंट देयर आर लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अवेलेबल एंड लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सिंथेसाइज एवरी ईयर एंड लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर सिंथेसाइज्ड एवरी ईयर अब यहाँ पे एक पॉइंट ये तुम लोगों को बताना है, इतने सारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अवेलेबल हैं और लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एवरी ईयर सिंथेसाइज किए जा रहे हैं, इसके पीछे कार्बन का कौन सा प्रॉपर्टी रिस्पॉन्सिबल होता है? सही है, बिल्कुल कैटेनेशन। सही है सब लोगों का, वो कौन सा प्रॉपर्टी रहेगा? कैटेनेशन प्रॉपर्टी। तो कार्बन का जो कैटेनेशन, सही है सब लोगों का। वैसे भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बोला जाता है केमिस्ट्री ऑफ कार्बन, कार्बन का केमिस्ट्री बोला जाता है यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, क्योंकि यहाँ पे हम लोग कार्बन और हाइड्रोजन तो रहेगा ही, कार्बन का ही केमिस्ट्री होता ही है और उसके अलावा दूसरा एटम प्रेजेंट होता है वहां पे। नेक्स्ट पॉइंट लिख लोगे यहाँ पे द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन for large number of organic compounds large number of organic compounds is property of catenation is property of catenation in carbon catenation in carbon। तो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन क्या है कि कार्बन का जो कैटेनेशन प्रॉपर्टी होता है, इसी के चलते इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अवेलेबल हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि कैटेनेशन प्रॉपर्टी क्या होता है, यहां तक नोट डाउन करो, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कैटेनेशन होता है क्या है।
स्लो स्लो बता रहे हो सर, नोट हो गया है। बाकी इसमें कुछ समझना नहीं, इसको साथ में नोट कर सकते थे। जब समझना वाला, जहाँ पे समझने वाला पॉइंट होगा वहाँ पे समझना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन क्या था फॉर लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज प्रॉपर्टी ऑफ कैटेनेशन इन कार्बन। नेक्स्ट है इसमें कैटेनेशन, वो क्या होता है कैटेनेशन प्रॉपर्टी। ठीक है, उसमें फॉर्म चेंज ऑफ आइडेंटिकल एटम सही है, वो हम देखते हैं, वही कैटेनेशन प्रॉपर्टी देखना है यहाँ पे हमें। बिल्कुल, कुछ लोग बता रहे एबिलिटी टू फॉर्म चेंज, सबका सही है। कैटेनेशन, क्या कैटेनेशन को बोला भी जाता है सेल्फ लिंकेज, और क्या बोलते हैं यहाँ पे सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी। सबका सही है इसमें, एबिलिटी टू फॉर्म चेंज विद अदर कार्बन एटम सही है बिल्कुल, सब लोगों का प्रॉपर्टी जो भी स्टेटमेंट बता रहे हो सब लोगों का सही है। अब देखना कि कैटेनेशन प्रॉपर्टी होता है क्या है, द प्रॉपर्टी ऑफ एटम्स, द प्रॉपर्टी ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट तो कुछ लोग चैट में बता रहे हो मुझे एबिलिटी टू फॉर्म स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड, सबका स्टेटमेंट सही है जो सब बता रहे हो यहाँ पे, सबका स्टेटमेंट क्या वहाँ पे सही आ रहा है। द प्रॉपर्टी ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट टू फॉर्म, द प्रॉपर्टी ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट टू फॉर्म या टू लिंक विद वन अनदर, टू लिंक विद वन अनदर फॉर्मिंग चेन्स ऑफ टू लिंक विथ वन अनदर एंड फॉर्मिंग चेन्स ऑफ एंड फॉर्मिंग चेन्स ऑफ आइडेंटिकल एटम्स। फॉर्मिंग चेन्स ऑफ आइडेंटिकल एटम, इज कॉल्ड कैटेनेशन। द प्रॉपर्टी ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट टू लिंक विथ वन अनदर एंड फॉर्मिंग चेन्स ऑफ आइडेंटिकल एटम्स इज कॉल्ड कैटेनेशन। जरा यहाँ पे है, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि कार्बन कैटेनेशन प्रॉपर्टी शो ही क्यों करता है वहां पे, ये तुम लोग कैटेनेशन का स्टेटमेंट देख रहे थे। तो नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखना है यहाँ पे कि द कैटेनेशन प्रॉपर्टी या सिंपली कैटेनेशन प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इज ड्यू टू द, उसका रीजन क्या होता है बताओ, तो अगर बता सकते हो तो। सर ड्यू टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट, सर ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ कार्बन। सही है, एक रीजन और है, और भी बता, टेट्रावेलेंसी वो भी सही रीजन है, और स्टेबल बॉन्ड्स। सही है, स्टेबल बॉन्ड्स, सारा स्टेटमेंट चेन्स एंड बिल्कुल बिल्कुल सारा स्टेटमेंट सही है, वो सब नो पॉइंट लिखने वाला है यहां पे। ड्यू टू शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, सही है वहां पे शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दैट मींस कुछ लोग बता रहे हो कोवेलेंट बॉन्ड मल्टीपल बॉन्ड वो शेयरिंग से ही बनता है, दैट मींस सारा जितना भी बता रहे हो लोग चैट में बता रहे हो सबका सही है। कैटेनेशन प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इज ड्यू टू द, इज ड्यू टू द, रीजन क्या है उसका, फर्स्ट पॉइंट है इसमें। तो कैटेनेशन प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इज ड्यू टू द, इसमें फर्स्ट पॉइंट टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन एटम, सारा पॉइंट मैं लिखूंगा जितना तुम लोग बता रहे थे सब लोग नोट डाउन भी कर लोगे, टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन, टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन, टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन एटम। अब टेट्रावेलेंसी कैसे रहता है हम लोग आगे पढ़ेंगे, बट अभी सिर्फ पॉइंट नोट डाउन करना है यहाँ पे कि टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन एटम सच दैट, सर हाउ टेट्रा, टेट्रा मींस थ्री नो,
नहीं, टेट्रा मीन्स फोर, ट्राई मीन्स थ्री, डाई मतलब टू, ट्राई मतलब थ्री और टेट्रा मीन्स फोर। तो टेट्रा मीन्स कार्बन मैक्सिमम फोर बॉन्ड बना पाता है। कैसे बनाता तो आगे वो देखेंगे वहां पे। टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन एटम सच दैट इट फॉर्म्स बॉन्ड विद, सच दैट इट फॉर्म्स बॉन्ड विद कार्बन एंड अदर एटम, कार्बन एंड अदर एटम्स। टेट्रावेलेंसी का मतलब यहाँ पे इतना भी समझना है कि टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन, दैट मींस कार्बन फोर बॉन्ड बनाएगा, फोर कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा वहां पे। तो कार्बन के साथ भी बना सकता है वो बॉन्ड, या फिर कोई और भी एटम के साथ एंड अदर एटम्स। तो सिंपली स्टेटमेंट ये बता सकते, पूरा याद रखना है तो पूरा याद रखो, कम से कम इतना तो याद रखना है कि टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन एटम, यहाँ तक ये स्टेटमेंट याद रखना है। सेकेंड रीजन है इसका, इट कैन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड, इट कैन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड, इट कैन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड, ये मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है। इसका रीजन क्या होता है, मल्टीपल बॉन्ड क्यों बनाता है? अब मल्टीपल बॉन्ड बोलने का मतलब क्या है कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है कार्बन। सिंगल बॉन्ड तो बनाता ही है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी कार्बन बना सकता है। इसका रीजन क्या होता है मल्टीपल बॉन्ड बनाने का, ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज, ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज। तो कार्बन का जो साइज होता है वो क्या है, स्मॉल, ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज। थर्ड पॉइंट, बॉन्ड एनर्जी, या इस टाइप लिख सकते हो यहाँ पे, हाई बॉन्ड एनर्जी ऑफ, हाई बॉन्ड एनर्जी ऑफ, या कुछ लोग जैसे बता रहे थे कि स्टेबल बॉन्ड्स, उसका रीजन क्या होता है, हाई बॉन्ड एनर्जी, हाई बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड्स। यहाँ पे लोग सीसी बॉन्ड दिखा रहे हैं, सिंगल बॉन्ड, इसको क्या रीड करोगे यहाँ पे, हाई बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड। नीचे कुछ नहीं है यहाँ पे, है यहाँ पे इसको क्या रीड करना है, हाई बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड सच दैट, सच दैट इट फॉर्म्स स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, सच दैट इट फॉर्म्स स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स इन लॉन्ग चेन, इन लॉन्ग चेन एंड साइक्लिक कंपाउंड्स, एंड साइक्लिक कंपाउंड्स। ये तीन पॉइंट यहाँ पे याद रखना है, बाकी सब लोग जो स्टेटमेंट बता रहे थे इसी यही तीनों पॉइंट सब लोगों का था। चलो मैं बताता हूँ, इसमें एक क्वेश्चन है कि सर हाई बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड का मतलब क्या है? उसका मतलब यहाँ पे ये है कि मान लो जैसे कि यहाँ पे सी एच एच सी एच, इसको नोट नहीं करना, यहाँ पे सी एच एच और एच, यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है। इस बॉन्ड को ब्रेक करने में बहुत ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगा। यहाँ पे एनर्जी का मतलब किसी भी फॉर्म एनर्जी हो सकता है, इन द फॉर्म ऑफ हीट या किसी भी फॉर्म में। इस कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड है इसको ब्रेक करने में बहुत ज्यादा एनर्जी देना होगा यहाँ पे, तभी ये बॉन्ड ब्रेक होता है कार्बन कार्बन का। उसी को क्या बोलते हैं लोग यहाँ पे, हाई बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड, जिसके चलते ये स्टेबल कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर सकता है। यहाँ पे लॉन्ग चेन में भी स्टेबल कंपाउंड आता है वो, या फिर साइक्लिक कंपाउंड्स का भी फॉर्मेशन कर पाता है। क्लियर है यहाँ पे? हाँ बताओ सर। आयोनिक बॉन्ड ज्यादा पावरफुल है ना पर कोवेलेंट से? बिल्कुल, बट कार्बन जो है यहाँ पे, हम लोग अलग रीजन देखेंगे, आयनिक बॉन्ड बिल्कुल पावरफुल है, बट कार्बन का जो नेचर होता है वो कोवेलेंट बॉन्ड ही बनाता है वहां पे, क्योंकि जो भी आगे हम लोग पढ़ेंगे नॉन मेटल, नॉन मेटल जो भी रहेगा वो क्या होता है वहां पे, तो कार्बन नॉन मेटल है, इसका जो प्रॉपर्टीज है यहाँ पे है, स्पेशली हाइड्रोजन के साथ या नाइट्रोजन ऑक्सीजन, वो सब क्या बनाता है वहां पे, कोवेलेंट बॉन्ड ही बनाता है। ये भी कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड आता है ये स्टेबल होता है यहाँ पे। बाकी इन जनरल अगर पॉइंट कहीं आता है तो आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है एज कम्पेयर टू कोवेलेंट बॉन्ड, सही स्टेटमेंट है जो तुम बता रहे हो, बट कार्बन जो होता है वो कोवेलेंट कंपाउंड का ही, कोवेलेंट बॉन्ड का ही फॉर्मेशन करता है। क्लियर यहाँ पे? ये तीन पॉइंट याद होना चाहिए सब लोगों को, टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन एटम। एक क्वेश्चन भी आता है तुम लोगों में, यही पॉइंट रहेगा कि कार्बन
टेट्रेनेशन प्रॉपर्टी क्यों शो करता है, तो टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन एटम मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज, और इसका जो बॉन्ड एनर्जी होता है वो हाई होता है यहाँ पे। क्लियर है यहाँ तक? ये हम लोग कुछ बेसिक चीजें ही देख रहे थे यहाँ पे। नेक्स्ट टॉपिक आता है यहाँ पे, यहाँ तक किन्हीं को कुछ डाउट हो, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नोट डाउन भी कर लिए होंगे सब लोग यहाँ पे? यस सर। चलो ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। बाकी एक ये कोशिश करोगे, क्योंकि आज जब लेक्चर स्टार्ट हो रहा था कुछ लोगों का सराउंडिंग का वॉयस आ रहा था, तो कोशिश करो कि म्यूट रखते हैं, जब भी कुछ क्वेश्चन पूछना हो वहां पे अनम्यूट करके, या हैंड रेज का ऑप्शन आता है हैंड रेज करके वहां पे क्वेश्चन पूछ पाओगे। बाकी कोशिश करोगे म्यूट रखें, उधर का जो सराउंडिंग का वॉयस है वो इधर ना आए और बाकी बच्चों को भी डिस्टर्ब ना हो। तो देखते हैं आगे हम लोग यहाँ पे। तो नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट टॉपिक है इसमें स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लोग कितने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट है, यहाँ से मेन टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होता है, ये भी बेसिक ही पार्ट है, नोमेनक्लेचर वाले पार्ट का आगे हम लोग आएंगे। स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए मेनली तीन वे है यहाँ पे। फर्स्ट आता है यहाँ पे एक्स्ट्रा वे पॉइंट, लिख भी सकते हो कि देयर आर थ्री वेज टू रिप्रेजेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड, देयर आर थ्री वेज टू रिप्रेजेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड, मैं अभी बता रहा तुम लोगों को, इन्हीं का भी अगर अभी भी अनम्यूट है तो म्यूट करके रखो, जब भी कुछ पूछना हो तुम्हारे पास ऑप्शन है, ऐसा नहीं कि जब भी कुछ पूछना हो तो अनम्यूट करो और क्वेश्चन पूछो, बाकी म्यूट रखना है। पूरे लेक्चर में अगर तीन चार पांच जितना भी क्वेश्चन पूछना तो उस टाइम बस अनम्यूट करना है। देयर आर थ्री वेज टू रिप्रेजेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड, फर्स्ट है इसमें कंडेंस फॉर्म, कंडेंस फॉर्म, सेकेंड वन कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्म, या इसको बोला जाता है एक्सटेंडेड फॉर्म, और थर्ड वन बॉन्ड लाइन फॉर्म, कंडेंस फॉर्म, कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्म और एक्सटेंडेड फॉर्म, और थर्ड वन बॉन्ड लाइन फॉर्म। अब यहाँ पे हम लोग एक एक करके देखते हैं। यहाँ पे सबसे फर्स्ट है इसमें कंडेंस फॉर्म, तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को इसी तीन तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट कर पाएंगे, या तो कंडेंस फॉर्म में, या फिर कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्म, या फिर बॉन्ड लाइन फॉर्म, और ये फॉर्म ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जो कि आगे देखेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं कंडेंस फॉर्म, कुछ पॉइंट्स है इसमें, दो पॉइंट्स है, उसको पहले नोट डाउन कर लेना था यहां पे। इन दिस फॉर्म some bonds are removed,
मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा लार्ज लिखूँ जो कि क्लियरली विजिबल हो. रिमूव इन दिस फॉर्म ऑल और सम बॉन्ड्स आर रिमूव्ड. सेकेंड पॉइंट है इसमें न्यूमेरिकल सबस्क्रिप्ट इज यूज्ड. न्यूमेरिकल सबस्क्रिप्ट इज यूज्ड टू इंडिकेट number of identical atoms or group. number of identical atoms or group. second point क्या है कि numerical subscript क्या होता है देखेंगे is used to indicate नंबर ऑफ आइडेंटिकल एटम्स और ग्रुप. ये दो पॉइंट लिखना है. आप एग्जांपल यहाँ पे देखेंगे आगे हम लोग. चलो बाकी वॉइस प्रॉपर आ रहा है जो मैं राइटिंग यहाँ पे वो क्लियरली विजिबल है. बाकी अभी लाइट पावर कट है यहाँ पे से थोड़ा वीडियो क्वालिटी उतना अच्छा नहीं है तो बाकी ठीक है. तो यहाँ पे प्रॉपर वॉइस आ रहा है, राइटिंग क्लियरली दिख रहा है तुम लोगों को. वो कंटिन्यू कर सकते हैं यहाँ पे. अच्छा सर, राइटिंग बिल्कुल ठीक है. यहाँ तक नोट डाउन कर लिया हम लोग. इसका एग्जांपल स्टार्ट करते हैं इस केस में. अब मैं नेक्स्ट पेज पे आता हूँ. यहाँ तक तो ये पॉइंट था, इसमें कुछ समझना नहीं था. यहाँ पे है इस फॉर्म में क्या करते हैं कि जितने भी बॉन्ड्स होता है ऑल बॉन्ड्स या कुछ बॉन्ड्स को सम बॉन्ड्स आर रिमूव या सारे बॉन्ड्स को रिमूव कर देते हैं और न्यूमेरिकल सबस्क्रिप्ट यूज करते हैं. दैट मींस 2, 3, 4 और कोई एटम्स या ग्रुप. मान लो कोई एटम 3 times आ रहा है, क्या लिखेंगे 3. कोई ग्रुप 2 times आ रहा है, CH3 2 times आ रहा है, क्योंकि वहाँ पे CH3 2 times. एग्जाम्पल से क्लियर होगा. और वहाँ पे है एग्जाम्पल इस टाइप से ले रहे हैं हम लोग. CH3 CH2 twice CH3 एक ही एग्जाम्पल है यहाँ पे. अब इसमें ये पूछा जाए कि ये किस फॉर्म में यहाँ पे है. ये जो स्ट्रक्चर है वो कंडेंस फॉर्म में लिखा गया है. कंडेंस फॉर्म में कैसे पता चलेगा कि कंडेंस फॉर्म में है. यहाँ पे देखना कि कुछ बॉन्ड्स को दिखाया गया और कुछ बॉन्ड्स को नहीं दिखाया गया यहाँ पे. अब यहाँ पे ये कंडेंस फॉर्म में इसको थोड़ा सा ओपन करके लिखूं मैं यहाँ पे. ये CH2 ट्वाइस का मीनिंग क्या यहाँ पे है. ये CH2 ट्वाइस का मतलब कि ये CH2 यूनिट 2 times आ रहा है इस कंपाउंड में. इसको इस तरह लिख सकते हैं CH3. तो CH2 ट्वाइस का मतलब ये है कि CH2 2 times आ रहा है वहां पे. CH2 CH2 CH3. यही जो CH2 CH2 2 times आ रहा था तो यहाँ पे CH2 CH2 अलग से ना लिखना पड़े. इसको क्या लिख देते हैं ब्रैकेट में CH2 ट्वाइस. ये CH2 CH2 2 times को रिप्रेजेंट करता है. ये भी कंडेंस फॉर्म है और ये भी अभी भी कंडेंस फॉर्म में है क्योंकि सारे बॉन्ड्स को नहीं दिखाया जा रहा है. किस बॉन्ड्स को नहीं दिखाया जा रहा है. कार्बन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है उसको नहीं दिखा रहा है यहाँ पे. यहाँ पे जो कार्बन और 3-3 हाइड्रोजन है ये यहाँ पे एक्चुअल में ये इस तरीके से होगा. इसको नोट नहीं करोगे अभी. ये जो कार्बन है उस कार्बन से 3-3 हाइड्रोजन एटम अटैच होगा. यहाँ पे 3 हाइड्रोजन एटम्स है तो 3 हाइड्रोजन एटम जो सेम एटम आ रहा है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए उसको इंडिकेट करने के लिए वो यहाँ पे 3 लिख रहे हैं. तो CH3 का मतलब क्या है या इसको इस टाइप से समझ सकते हो. यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन ना हो इस टाइप से यहाँ पे मैं इसको इरेज करके. ये जो CH3 होता है एक्चुअल में ये बॉन्ड कार्बन के बीच होता है यहाँ पे C और ये H3. इस टाइप से लिख सकते हो यहाँ पे. या CH3 पहले जो लिखा गया था उसका भी मीनिंग सेम है. यहाँ पे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड और यहाँ पे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड और इस कार्बन से 3-3 हाइड्रोजन अटैच है इस टाइप से यहाँ पे. बट कंडेंस फॉर्म में इस बॉन्ड को वो दिखा नहीं रहे हैं कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को. बट वो अंडरस्टूड किस टाइप से आ रहा है. यहाँ पे ये 3 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि सेम हाइड्रोजन एटम 3 times आ रहा है CH3. यहाँ पे इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन एटम अटैच है H और H और यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन एटम और यहाँ पर भी 3 हाइड्रोजन एटम इस कार्बन से अटैच है. ये किस फॉर्म में आ रहा है हमारा कंडेंस फॉर्म में. यहाँ पे कुछ और एग्जांपल मैं लिखता हूँ यहाँ पे इस केस में.
किस टाइप से कहीं लिखा हो तुम्हें कंपाउंड CH3 ट्वाइस CH CH2 CH3 इसका मीनिंग क्या यहाँ पे समझना है। तो ध्यान यहाँ पे एक ही रखना है कि जो कार्बन है यहाँ पे वो मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है और न्यूट्रल है तो 4 से कम भी नहीं बनाएगा। तो क्या होगा उसके इसमें, तो अगर न्यूट्रल कार्बन आ रहा कोई चार्ज वगैरह नहीं है पॉजिटिव नेगेटिव तो वहां पे देखना कि 4 बॉन्ड हमेशा वो बना रहा हो। यहाँ पे CH लिखा गया, ध्यान से देखना इस केस में यहाँ पे कुछ बॉन्ड्स को दिखा रहे हैं कुछ बॉन्ड्स को नहीं दिखा रहे हैं, जैसे यहाँ पे कुछ बॉन्ड्स को दिखाया है और कुछ बॉन्ड्स को नहीं दिखा रहा है। यहाँ पे जो पीछे स्टेटमेंट था यहाँ पे इन दिस फॉर्म ऑल और सम बॉन्ड्स आर रिमूव, कुछ ही बॉन्ड्स को रिमूव कर रहा है या सारे बॉन्ड्स को भी रिमूव कर सकता है यहाँ पे, उसका भी एग्जाम्पल आएगा अभी। यहाँ पे CH3 ट्वाइस CH इसका मतलब क्या है, इसी एक कार्बन से ये दोनों CH3 कनेक्टेड है। इसका मीनिंग क्या है, CH3 CH और ये क्या यहाँ पे CH3, तो CH3 ट्वाइस का मतलब है किसी कार्बन से दो दो CH3 कनेक्टेड है, बाकी ये CH2 और ये CH3, ये दोनों अभी कंडेंस फॉर्म में, ये भी कंडेंस में और ये भी कंडेंस में, बट इसको क्लियरली समझ में आया कि ये CH3 ट्वाइस का मीनिंग क्या है और वो किससे अटैच है, तो इस कार्बन से अटैच है यहाँ पे CH3 CH3 CH2 CH3 आ रहा है यहाँ पे, ये दोनों कंडेंस फॉर्म में है। बट जब इस फॉर्म में लिख लेते हैं सेकंड वाले फॉर्म में, क्लियरली वहां पे पता चल पाता है कि कार्बन कार्बन किससे अटैच है, बाकी कार्बन हाइड्रोजन को यहाँ पे नहीं दिखा रहा है, दैट मीन्स कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को यहाँ पे नहीं दिखा पा रहे हैं, सिर्फ कार्बन कार्बन को दिखा रहे हैं, ये भी कंडेंस फॉर्म में। एक और एग्जाम्पल मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे कि कुछ इस टाइप का आ रहा हो CH3 4C, इसका मतलब क्या, ये भी कंडेंस फॉर्म में है और यहाँ पे कोई भी बॉन्ड को रिप्रेजेंट नहीं किया गया, कोई भी बॉन्ड्स को नहीं दिखाया गया, दैट मीन्स ऑल बॉन्ड्स आर रिमूव, सारे बॉन्ड्स को रिमूव कर दिया गया वहां पे। अब इसको थोड़ा सा और ओपन करके लिखो, ये कंप्लीट कंडेंस फॉर्म में इसमें कोई बॉन्ड नहीं दिखाया जा रहा यहाँ पे, इसका मतलब क्या है, ये जो सिंगल कार्बन है यहाँ पे इसी कार्बन से 4 CH3 यूनिट कनेक्टेड है यहाँ पे, कार्बन CH3 और ये क्या है तुम्हारा CH3, इसी एक कार्बन से 4 CH3 कनेक्टेड है यहाँ पे और बाकी CH3 CH के बीच का जो बॉन्ड है उसको नहीं दिखा रहे हैं। ये भी हमारा कंडेंस फॉर्म में है और ये भी कंडेंस फॉर्म में, बट इस फॉर्म में कुछ ज्यादा क्लियर हो पाता है कि कार्बन से कौन कौन सा ग्रुप कनेक्टेड है, CH3 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 और ये क्या है CH3 यहाँ पे। तो क्लियर है यहाँ पे कि यहाँ पे ये जो 4 आ रहा है इसी 4 को क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल सबस्क्रिप्ट। यहाँ पे ये जो 2 आ रहा था इसी को क्या बोलेंगे, न्यूमेरिकल सबस्क्रिप्ट, न्यूमेरिकल वैल्यू यूज किया जाता है इस केस में टू इंडिकेट नंबर ऑफ आइडेंटिकल एटम्स और ग्रुप। CH3 का मतलब क्या है, 3 हाइड्रोजन एटम्स है, उसको 3 टाइम्स ना लिख करके हम लोग H3 लिख दिए वहां पे। क्लियर है यहाँ पे है, ये चीजें और भी क्लियर हो गई है सारा एग्जाम्पल जब हम लोग सेकेंड केस पढ़ लेंगे यहाँ पे, दैट मीन सेकेंड फॉर्म पढ़ लेंगे यहाँ पे। इसको यहाँ तक नोट डाउन करो, सेकेंड फॉर्म कौन सा था इसमें, कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्म, और वो जब पढ़ेंगे तो ये चीजें और भी क्लियर होगा कि कंडेंस फॉर्म क्या होता है, कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्म। ये एक्सटेंडेड फॉर्म भी बोला जाता है इसको, और देखना कि कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्म में भी 2 पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट है इसमें यहां पे, इन दिस फॉर्म ऑल द बॉन्ड्स एंड एटम्स आर शोन, एटम तुम लोग वहां पर भी दिखा रहे हैं बट इस केस में क्या होता है, इन दिस फॉर्म ऑल द बॉन्ड्स एंड एटम्स आर शोन SHOWN। इस फॉर्म में क्या करना है, जितने भी बॉन्ड्स हैं चाहे जिस भी दो एटम के बीच में बॉन्ड्स आ रहा हो, और ये नॉर्मल हम लोग एक लाइन दिखा रहे हैं, दैट मीन्स कौन सा बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड। बाकी थोड़ा बॉन्डिंग हम लोग यहाँ पर पढ़ लेंगे आगे नेक्स्ट लेक्चर में कि कोवेलेंट बॉन्ड होता है क्या है, बाकी इतना पता है कि सिंगल बॉन्ड दिखा रहे हैं तो
तो क्या कोवलेंट बॉन्ड ही है दो एटम के बीच में. इन दिस फॉर्म ऑल द बॉन्ड्स एंड एटम्स आर शोन. और सेकंड पॉइंट है इसमें कि नो न्यूमेरिकल सबस्क्रिप्ट इज यूज्ड. नो न्यूमेरिकल सबस्क्रिप्ट इज यूज्ड. नो न्यूमेरिकल सबस्क्रिप्ट इज यूज्ड. यहाँ पे कोई भी न्यूमेरिकल सबस्क्रिप्ट यूज नहीं किया जाएगा. नो न्यूमेरिकल सबस्क्रिप्ट इज यूज्ड. क्लियर है दोनों पॉइंट. इन दिस फॉर्म ऑल द बॉन्ड्स एंड एटम्स आर शोन. जितने भी बॉन्ड्स हैं जिस भी दो एटम के बीच में सारे बॉन्ड्स को इसमें शो करते हैं क्योंकि नेम ही है कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्म या एक्सटेंडेड फॉर्म. और यहाँ पे कोई भी न्यूमेरिकल सबस्क्रिप्ट यूज नहीं किया जाएगा. अब देखो यहाँ पे जो मैं कंडेंस फॉर्म का एग्जाम्पल ले रहा था यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड एग्जाम्पल और ये थर्ड एग्जाम्पल, इसी तीनों का अगर मैं कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्म ड्रॉ करूँ तो वो कैसे ड्रॉ करेंगे वहां पे. यहाँ तक नोट डाउन करो जल्दी से, नेक्स्ट पेज पे हम लोग आते हैं. अभी कर लिया यहाँ तक नोट डाउन कर लिए सब लोग? यस सर. यस सर. चलो ठीक है फिर आगे बढ़ते हैं. बहुत ज्यादा कुछ इसमें नोट डाउन करना नहीं था, हम आगे देखते हैं फिर इसमें. अब इसी में देखोगे पहला जो एग्जांपल है यहाँ पे कंडेंस फॉर्म का, इसमें क्या था CH3 CH2 CH2 CH3. इसमें लिख भी लेता हूँ यहाँ पे CH3 CH2 CH2 CH3. अब इसी को कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्म में लिखना है तो वो कैसे लिखेंगे, सी कार्बन हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड है उसको भी दिखाना है यहाँ पे CH H H. यहाँ पे फिर कार्बन और इस कार्बन से फिर दो दो हाइड्रोजन अटैच है, सिंगल बॉन्ड से अटैच होगा वो H H C H H C H और H. यहाँ पे क्लियरली देखोगे कि जितने भी बॉन्ड्स अवेलेबल हो सकते हैं सारे बॉन्ड्स को और सारे एटम्स को दिखाया गया है और कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू यूज नहीं किया गया है. न्यूमेरिकल वैल्यू यूज नहीं करने का नो न्यूमेरिकल सबस्क्रिप्ट इज यूज्ड. इसका क्या मीनिंग था यहाँ पे कि कोई भी जो इसमें 2 3 4 आ रहा है यहाँ पे 2 3, इसमें वैसा कुछ नहीं आ रहा है 2 3 4 इस टाइप का कुछ नहीं आ रहा है. और उसका रीजन है कि जितने भी एटम्स है वो सबको मैं क्लियरली दिखा पा रहा है यहाँ पे, दैट मीन्स कुछ भी न्यूमेरिकल वैल्यू यूज नहीं होगा यहाँ पे. ये हमारा कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्म है इसी कंपाउंड का. एग्जाम्पल एक और है यहाँ पे पीछे, देखिए कि एग्जाम्पल आ रहा था कंडेंस फॉर्म में इसी का कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्म ड्रॉ करें अगर हम लोग यहाँ पे, वो किस टाइप का होगा इस केस में. स्ट्रक्चर में लिख लेता हूँ पहले CH3 CH CH3 CH2 CH3. अब यहाँ पे देखना है कि ये जो स्टार्ट कहाँ से करना है, इस कार्बन से C H H H C. फिर इस कार्बन पे आए थे यहाँ पे क्या एक H भी है, इस H को भी दिखाना है. और ध्यान रखना कि कार्बन कभी भी 4 बॉन्ड से ज्यादा नहीं हो और 4 बॉन्ड से कम नहीं हो, 4 बॉन्ड बना रहा हो यहाँ पे C H H. और ये H, ये CH3 जो नीचे था वो CH और H, फिर इधर आ गया यहाँ पे CH. यहाँ पे क्या था CH2 था तो CH और H, बाकी क्या था CH H और H. यहाँ पर भी जितने भी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड भी उसको भी दिखा रहे हैं और कार्बन कार्बन बॉन्ड को दिखाई रहा है यहाँ पे और कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू यूज नहीं हो रहा है. जैसे इसमें यूज हो रहा था 3 2, इसमें ऐसा कुछ यूज नहीं हो रहा. दैट मीन्स इसी स्ट्रक्चर का, इसी कंपाउंड का ये कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्म है यहाँ पे. क्लियर है यहाँ पे है. और एक यहाँ पे और आ रहा था CH3 4 और ये C. अब इसका मीनिंग देखना था. पहले ये जो कंप्लीट कंडेंस फॉर्म में आ रहा है, कोई भी बॉन्ड को यहाँ पे नहीं दिखाया गया है, तो पहले इसको थोड़ा सा ओपन करके लिखना पड़ेगा यहाँ पे CH3 जो मैंने पीछे समझाया भी था CH3 CH3 CH3. अब इसको कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्म में नोट लिखना है यहाँ पे, तो वो क्या रहेगा सी ऊपर वाला जो CH3 है H H H. इसमें फिर CH3 यहाँ पे आ रहा था, ये भी क्या होगा CH H H C H.
H और H और नीचे भी एक CH3 था, डेट में जितने भी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड भी और कार्बन कार्बन बॉन्ड है सारे बॉन्ड को यहाँ पे शो करते हैं इस केस में, और कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू यूज नहीं किया जाता, डेट में 2, 3, 4 एक इसमें 4 आ रहा था, इसमें 3 आ रहा यहाँ पे, तो ऐसा कुछ नहीं रहा था। ये भी कंडेंस फॉर्म और ये भी कंडेंस फॉर्म, ये हमारा कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्म है। जो मैंने पीछे लिखा था 3 एग्जाम्पल कंडेंस फॉर्म के लिए, वही तीनों एग्जाम्पल का मैंने कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्म ड्रॉ करके बताया है। इसमें कोई डाउट हो किने को तो वो पूछ सकते हैं यहाँ पे, दोनों फॉर्म में, कंडेंस फॉर्म और कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्म में। सर डबल और ट्रिपल बॉन्ड के एग्जाम्पल, सर डबल और ट्रिपल बॉन्ड के एग्जाम्पल, उसका भी एग्जाम्पल देखोगे यहाँ पे, तो मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। देखिए कोई एक एग्जाम्पल इस टाइप से आ रहा हूँ तुम्हारा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH वाइज C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये किस फॉर्म में, अभी यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू अगर यूज हो रहा है 3, 2 इस टाइप से अगर यूज हो रहा है तो किस फॉर्म में है, कंडेंस फॉर्म में। इसी को अगर कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्म में दिखाया जाए इस केस में, उसको कैसे दिखाएंगे यहाँ पे, सी जो CH3 था उसको ओपन करके लिख लेना था यहाँ पे, कार्बन से कनेक्टेड 3-3 हाइड्रोजन इसको कनेक्ट कर देता है यहाँ पे एच, ये कंडेंस फॉर्म है और इसी कंडेंस फॉर्म का मैं कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्म ड्रॉ कर रहा हूँ। वो क्या रहेगा CH, अब यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो सी डबल बॉन्ड सी, फिर एक एच यहाँ पे, इस एच को कहीं भी दिखा सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग नीचे दिखा नीचे ही दिखाएंगे, कहीं भी नीचे मन करे दिखाने तो नीचे दिखाओ, ऊपर मन करे तो ऊपर दिखाओ, कहीं भी दिखा सकते हैं हम लोग एच। फिर इस कार्बन का है, ये क्या था CH2, ये क्या होगा इसमें एच एच, और फिर यहाँ पे सी ट्रिपल बॉन्ड सी, और यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन के बीच भी एक बॉन्ड है यहाँ पे सिंगल बॉन्ड एच, ये इसी का कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्म आ गया। तो डबल बॉन्ड भी अगर होगा कोई दिक्कत नहीं, इस तरीके से सोच पाएंगे वहां पे, क्लियर है यहाँ पे है, ये डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी, बट कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर किसी एक कार्बन को देखो, यहाँ पर भी जो कार्बन जिसको मैं एरो लगा रहा हूँ, मैं डिफरेंट कलर से दिखाऊंगा अगर यहाँ पे, ये जो कार्बन आ रहा है यहाँ पे किसी भी एक कार्बन को तुम देख सकते हो, ये कार्बन मैक्सिमम कितना बॉन्ड बना रहा है, 4 ही, 1, 2, 3, 4 ये भी 4 बॉन्ड बना रहा है। किसी भी कार्बन को देखो, इस कार्बन की बात करें, ये कितना बॉन्ड बना रहा है यहाँ पे, 1, 2, 3, 4 इस कार्बन के अलोंग यहाँ पे कार्बन कितना बॉन्ड बना रहा है, 4, 1, 2, 3, 4 तो किसी भी कार्बन के अराउंड देखोगे तो मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना रहा है इस केस में, दैट मींस स्ट्रक्चर करेक्ट आ रहा है इस टाइप से, क्लियर है यहाँ पर, यहाँ तक सब लोगों को? यस सर। चलो चलो ठीक है, और जैसा कि मैंने बताया था कि बॉन्ड लाइन फॉर्म पहले ही बताया था कि ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म होता है यहाँ पे, इसमें कंपाउंड्स को ड्रॉ करना आसान होता है, ज्यादातर कंपाउंड्स को बॉन्ड लाइन फॉर्म में ड्रॉ किया जाता है, तो फिर हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू कर पाएंगे, अच्छे से पहुंच पाएंगे बॉन्ड लाइन फॉर्म को। आज के लेक्चर में किन्हीं को कोई दिक्कत हो तो वो पूछ सकते हो, या कोई और क्वेश्चन हो मन में वो पूछ सकते हो अभी। तो एक बार लास्ट स्लाइड दिखाए ना, लास्ट स्लाइड इससे पीछे वाला, लो ये सर डाउट है। हाँ बताओ सर, आपने जो लास्ट एग्जांपल अभी बताया, हाँ सर, उसके अंदर एक बार जब आपने सी एच लिखा तो एच नीचे लिखा है, और जब सेकंड टाइम डबल बॉन्ड के बाद एच लिखा है तो वो ऊपर लिखा है, सर इसमें डिफरेंस क्या है? तुमने सुना नहीं ध्यान से, यहाँ पे मैंने इसलिए बताया भी था यहाँ पे कि कहीं भी लिख सकते हो उसको, तुम्हारा जहाँ पे मन करे, तुम्हारा मन है इसको एच को यहाँ से हटा के यहाँ पे सर नहीं लिखना है मुझे, नीचे लिखना है यहाँ पे, नीचे लिख दो जहाँ पे मन करे तुम लिख सकते हो, इसके लिए कोई स्पेसिफिक कोई रूल नहीं है यहाँ पे। ओके सर, थैंक यू, क्लियर है यहाँ पे, तो ठीक है, और किन्हीं का कुछ डाउट हो इसमें, तो ठीक है, कोई डाउट नहीं है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास, आज पहला लेक्चर था, बहुत ज्यादा हम लोग पढ़े भी नहीं, बेसिक चीज ही पढ़े यहाँ पे है, बट कोशिश करो क्लास रेगुलरली अटेंड करो, क्योंकि यहाँ के बाद एक भी क्लास मिस होता है तो नेक्स्ट क्लास में फिर दिक्कत स्टार्ट हो जाएगा, बहुत ज्यादा अगर इमरजेंसी ना हो तो क्लास अटेंड करना है वहां पर, और ये नहीं सोचना कि सर वीडियो डाल देंगे, वो ठीक है उनके लिए जिनका किसी कारण से नेटवर्क इशू आता है, या किसी इमरजेंसी कारण के क्लास अटेंड नहीं कर सकते इमरजेंसी कारण के कारण,
चलो ठीक है, तो फिर मैं सेशन एंड करता हूँ, फिर नेक्स्ट क्लास में इसको हम लोग कंटिन्यू कर पाएंगे। तो यस सर, थैंक यू सर, ओके बाय।